जब मैंने घर छोड़ने की बात की तो बादशाह बेगम ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे आउट हाउस में। खाना चाय नाश्ता तुम्हारा वहीं पहुंच जाएगा, तुमको घर में आने की जरूरत नहीं है। जब तक अहमद नहीं आ जाते तब तक तुम वहीं रहोगे। तुम्हारे तो मजे हो गए। अहमद भाई भी आएंगे तो क्या कर लेंगे, उन्हें भी कोई नई कहानी सुना देना। उस नरगिस को इतना मजबूर और लाचार कर दो कि वो अपने घर वालों के सामने आने से भी शर्माए। इतना जलील करना उसे कि उसे खुद से भी नफरत हो जाए और सारा घर उसे जलील समझे। मेम साहब, आप जिससे झगड़ा मोल लेती हैं उसे इतना सताती हैं, सारे सहारे छीन लेती हैं, उसको बेबस करके तन्हा छोड़ देती हैं मरने के लिए। रो रो के नरगिस यही कहेगी कि सबने हमसे नजरें फेर ली, अब इन आहों के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। उसको तड़पता देख हमारा दिल कितना खुश होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेम साहब, जैसा आप चाह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। नरगिस की जिंदगी की अस्थी भंवर में तो फंसी होगी और आपके लबों पे मुस्कान होगी। नरगिस कुछ इस तरह तड़पती रहेगी जैसे बिन पानी मछली। वाह गुलफाम वाह, हम उसे पानी भी नहीं देंगे। उसे तड़पता देख के हमें कितनी खुशी होगी ना तुम नहीं जानते, तुम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। मेम साहब, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको इनाम तो देते ही नहीं। ये लो। बस इतने से ही पैसे? मैंने इतने छात्र लोगों को अपने बस में किया, ये कोई आसान काम नहीं है। बड़े चलाक लोग हैं ये। अब हम जैसे ही डुगडुगी बजाएंगे वो बिल्कुल वैसे ही नाचेंगे। ये तो तुमने अच्छा किया गुलफाम, डिप्टी साहब के खानदान का गुरूर और घमंड तोड़ कर रख दिया। अहमद बंदर, पाशा बेगम बंदरिया और तुम मदारी। जैसा चाहोगे वैसा ना चाहोगे उन्हें। अहमद भाई हमसे हमेशा कहते थे हमारी बहन बहुत पाक है, बहुत पाकीज़ा है। जिस बहन की तुम शराफत की तारीफें करते थे वो आवारा, बदचलन और बदकिरदार निकली। आप क्या कहेंगे अहमद भाई, आप भी उतनी ही तारीफें करेंगे अपनी बहन की ये सब सुनने के बाद भी? कोई जवाब नहीं रह जाएगा उनके पास। आदाब आदाब भाभी साहब। आदाब पिश्ता जी, आदाब, बैठिए ना। पिश्ता जी, बड़े दिनों के बाद आए आप। अरे क्या बताएं, गांव में आम तोड़वा रहा था मैं। मैं आपके लिए भी आम लाया हूँ, मलियाबाद की दशहरी और लखनऊ सफेदा, दो झाबे आम के हैं। मैं उठा के खुद ले आता मगर मुझसे उठ नहीं रहे थे। आप फत्तों को भेज दीजिएगा, वो ले आएगी। पिश्ता जी, वो आपको कई दिनों से याद कर रहे थे, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बात कीजिए, क्या बात करना है? आप गुलफाम को तो जानते ही हैं। गुलफाम के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि डिप्टी साहब ने उससे वादा किया था घर में रहने का, वो वादा आप लोग पूरा कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इश्रा जी, शराफत का नकाब ओढ़ के आया था, इस कदर अखलाक से, शराफत से, प्यार से, इस तरह से हमारे साथ रहा कि हमने उसे अपना बेटा बना लिया। घर के छोटे मोटे काम कर लेता, हम लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे जैसे कोई अपना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। इश्रा जी, वो नरगिस पे गलत नजर रखता था। ये आप क्या कह रही भाभी साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम इश्रा जी। आप डिप्टी साहब के दोस्त भी हैं और हमारे पड़ोसी भी। हमारे घर की कोई भी बात आपसे छुपी नहीं है। भाभी साहब, आपने ये ठीक कहा कि डिप्टी हमारा दोस्त भी था और पड़ोसी भी।
मगर आपने ये नहीं कहा कि हम दोनों दो जिस्म एक जान थे। डिप्टी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा भाई, उसकी खुशी हमारी खुशी, उसका गम हमारा गम। अब साफ साफ बताइए कि बात क्या है। शाजी, गुलफाम, गुलफाम नरगिस के कमरे में रात को जबरदस्ती घुस जाता है, उससे गंदी गंदी बातें करता है, वो हमारी नरगिस की इज्जत को दागदार बनाना चाहता है। नरगिस ने किसी तरह से खुद को महफूज रखा, उसका डट के मुकाबला किया। वो नरगिस को डराता है, धमकाता है, कहता है कि अगर वो चीखेगी चिल्लाएगी तो उसे बदनाम कर देगा। उस बदमाश की इतनी हिम्मत, घर में रह के ऐसी हरकत करेगा? ये सब बात तो मुझे नरगिस बदनामी के डर से बता ही नहीं रही थी, वो तो नसीमा ने उसकी हिम्मत बांधी, कहा कि जाके अम्मी को सब कुछ बताओ, तब जाके नरगिस ने हमें ये सब कुछ बताया। अरे नरगिस ये अकेले तकलीफ उठा रही थी, अगर हमको बता देती तो गांव तो दो लट बंद बुला के उसकी हड्डियां तोड़वा देते। आगे तो सुनिए मिश्रा जी, जब हमने गुलफाम को बुलाकर ये सब कुछ पूछा तो वो साफ मुकर गया, अपने अब्बू की कसम खाने लग गया, कहने लगा कि नरगिस खुद उसे रातों को कमरे में बुलाती है, कुंवारा और जवान मर्द देखकर उस पे डोरे डालती है, खुदा ना खास्ता उसके साथ मुंह काला करना चाहती थी, और जब उसने मना कर दिया तो उसने उसके खिलाफ ये साजिश रची। मिश्रा जी, हमने उसको बोल दिया है कि वो घर के अंदर ना आए, लेकिन हाँ, मेहमान खाने में रह रहा है। मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप कहें तो उसकी टांगे चिरवा के जंगल में फेंकवा दूं, चील कव्वे उसको खाएंगे। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे आप बताएं, अब हम करें तो क्या करें? बस मिश्रा जी, आप ऐसा कीजिए कि आप उस पे नजर रखिएगा, जब तक अहमद ना आ जाए देखिएगा कहीं वो भाग ना जाए। अगर आप कहें तो गांव से बुला के दो पहलवान आपके दरवाजे पे बिठा दूं, 24 घंटे निगरानी करेंगे। नहीं नहीं मिश्रा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आप उस पे नजर रखिए। हाँ हाँ, नजर रखूंगा, घर आते जाते रहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है? आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अम्मी ने आपको घर के अंदर आने से मना किया था ना? जैसे सीरी को मिलने फराद आया करता था, जैसे हीर को मिलने राजा, जैसे लैला को मिलने मजनू, वैसे ही है, मैं आपका दीवाना आपको मिलने आया हूँ। आपको देखे बगैर मुझे करार नहीं आता। आया अल्लाह, अगर आपकी जिद मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर ना करती। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ। अरे अपने दीवाने को एक बार हाँ तो बोल के देखिए। हम हजार बार बोल चुके, हमारा एक ही जवाब। एक ना एक दिन नरगिस, हम तो आपको हासिल कर लेंगे। अभी तक तो हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। आपके लिए गुनाह नहीं है, मगर हमारे लिए सोचना भी गुनाह है। अरे आपकी समझ में बात आती क्यों नहीं नरगिस? अच्छी जिद है, हम आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप एक नंबर के छटीले बदमाश हो। आपने हम पर इल्जाम लगाया कि हम आपको अपने कमरे में बुलाते हैं, आप पर डोरे डालते हैं, आपको कुंवारा देख हमारी नीयत टोल गई। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? झूठे कहीं के? ये बात या तो आप जानती हैं या तो मैं। बाकी तो सब सच्ची समझ रहे होंगे। देखिए नरगिस, आप मान जाइए, इसी में आपकी बेहतरी है। अभी तक तो आपके सिर्फ घर वाले जानते हैं कि आप कैसी हैं। बाद में सारा शहर जान जाएगा कि एक आयाश औरत हैं आप। देखो, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप क्यों जबरदस्ती हमारे पीछे पड़े? आपको हमसे भी हसीन लड़की मिल जाएगी,
एक शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़े हैं? ये दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। आप समझती क्यों नहीं है बात को? समझने और समझाने के लिए बचा ही क्या है? हमें जितना समझना था समझ चुके, जितना समझाना था समझा चुके। हमारा एक ही जवाब है, दूसरे जवाब की उम्मीद ना करना। दूसरे जवाब की उम्मीद क्यों ना करूं? हम जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसे हम हासिल करके ही रहते हैं। आपका जो जी चाहे वो सोचो, आपका जो जी चाहे वो कहो। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर हम पर आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी। अरे अभी आपने हमारी जबरदस्ती देखी कहाँ है? और ना ही हमें देखना है। आप हमारे कमरे से चले जाइए। हम कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम ही चले जाते हैं। हम आपको जाने भी नहीं देंगे। एक बात हमें समझ में नहीं आती नरगिस, आप हमसे इतना खफा क्यों रहती हैं? खफा ना हो तो क्या करें, आपका सदका उतारे। उतार दीजिए ना, नजर लग जाती है लोगों की। आप इतने भी हसीन नहीं है। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता। आईना तो बंदर भी देखता है और अपने आप को हसीन समझता है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए, हमारा घर बसा लीजिए, मैं आपकी जिंदगी संवार लूंगा, कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा आपको। आप हमें तकलीफ दो या ना दो, हमें कोई परवाह नहीं। एक शादीशुदा औरत के साथ इस तरह की गुफ्तगू करते हुए आपको शर्म नहीं आती? नरगिस, हमें आपका दूल्हा बनना है। जाओ, दूल्हा बनने की तैयारी कर। कल अहमद भाई आ रहे हैं और आपकी बारात वो बहुत धूमधाम से निकालेंगे। मना करने पर भी कल रात तुम्हारे कमरे में आ गया, जबकि हमने उससे साफ साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि वो घर के अंदर ना आए। अम्मी, हमसे कह रहा था कि अभी हमने आपको बदनाम नहीं किया, अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो पूरे शहर में बदनाम कर देंगे। उसकी ये हिम्मत, ये जुर्रत, हमारे घर में रहता है और हमारी ही बच्ची को धमकाता है। हमने उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी, उसके बावजूद भी उसकी ये हरकत, जरा सा भी उसे ये एहसास नहीं है कि हमने उस पे कितना बड़ा एहसान किया है। ये तो बहुत खतरनाक है, नरगिस से बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हमारी समझ में ये नहीं आता कि जब तुम अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करके सो रही थी तो फिर ये अंदर कैसे आ गया? अम्मी, न जाने कैसे वो खिड़की खोलकर अंदर आ गया। हम खुद हैरान थे कि वो अंदर कैसे आ गया। हम तो बेखबर सो रहे थे, कुछ आहट महसूस की तो हमने देखा वो सामने खड़ा है। हम तो बहुत डर गए। अम्मी, वो हमारे एकदम करीब आ गया। अब तो बस अहमद का इंतजार कर रहे, वो जल्दी से आ जाए बस। वो इसरार करता रहा और हम इनकार करते रहे। हाबिद भी गुलफाम से बहुत नाराज है, वो तो हमसे कह रहा था कि हम उसे इसी वक्त घर से निकाल दें। वो तो हमने उसे लाख समझाया तब जाके वो माना। तो ये भी कह रहा था कि हमारी बेगुनाह बहन पे इल्जाम लगा रहा है। आबिद भाई हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं? बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, लाख बातें क्यों ना हो जाए, पर आबिद तुम्हारा भाई है। मगर शाकरा भाभी तो गुलफाम की बहुत तारीफ करती और हमें गुनहगार समझती है, और न जाने हमारे पीठ पीछे क्या क्या बातें करती रहती है। बेटा, वो शाकरा है, रात को दिन और दिन को रात कहना उसकी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करने ही उसकी फितरत में शामिल है। अम्मी, आदाब। अरे अहमद बेटा, आदाब, खुश रहो, तुम आ गए बेटा, बैठो बैठो। आदाब अहमद भाई। आदाब आदाब, खुश रहो, बैठो। अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आबिद और शाकिरा ने फिर से कोई नाटक खेला? नहीं बेटा, वो अब उसे क्या कहें। अम्मी, आखिर क्या बात हुई है? बेटा, वो गुलफाम ऐसा नहीं है जैसा हम समझते थे। तो ये कहेंगे कि उसको पहचानने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा, अब हम कैसे कहें, हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा।
अम्मी बताना तो पड़ेगा आपको, आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बेटा वो रात को नरगिस के कमरे में जबरदस्ती चला जाता है। नरगिस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। नरगिस ने हजार बार उससे कहा है कि उसके कमरे में ना आए, पर फिर भी उसके कमरे में चला जाता है। यहां तक कि हमने भी उसे मना किया हुआ है, पर फिर भी। बेटा अब हम और कैसे कहें, बस इतना ही कहूंगी कि तुम समझ जाओ। नरगिस से शादी करना चाहता है, उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ता है। अभी अभी कल रात की ही बात है, नरगिस अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके सो रही थी, फिर भी न जाने कहां से उसके कमरे में चला गया। और जब नरगिस कहती है कि वो चीखेगी चिल्लाएगी तो कहता है कि तुम्हें पूरे शहर में बदनाम कर दूंगा। अम्मी ने मना किया था मेहमान खाने में ही रहना, घर के अंदर कदम मत रखना, उसके बावजूद भी न जाने वो हमारे कमरे में कैसे आ गया। उसकी ये मजाल, उसकी ये हिम्मत, हमने उसे अपने घर में पनाह दी, उसके हर सहूलियत का ध्यान रखा, और वो हमारे घर में हमारी ही बहन के साथ गलत बात करेगा। बुलाइए उसे, हम इसी वक्त उसे इस घर से निकालेंगे। अहमद बेटा, जोश से नहीं होश से काम लेना है। अगर हमने अभी उसे निकाल दिया तो बेटा वो पूरे लखनऊ में हमें बदनाम कर देगा। तो नरगिस से कह के भी रखा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो पूरे लखनऊ में ये कहता फिरेगा कि डिप्टी हैदर अली खान साहब की बेटी बच्चन है, हवारा है। अम्मी हम उसके अब्बू को नैनीताल से यहाँ बुलाएंगे, हम बात करेंगे उनसे। बस आप ये ख्याल रखिएगा कि ये बात किसी को पता न चले। उसने नरगिस पर जो ये बदनुमा दाग लगाया है, हम उसे गलत साबित करेंगे। नरगिस, आदा, खुश रहो, जीती रहो। बैठिए। और कैसी हो? हम अच्छे नसीमा बाजी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। ये बताओ गुलफाम के क्या हाल है? वो तो वैसा ही है, अम्मी ने घर में कदम रखने से मना कर दिया, उसके बावजूद भी न जाने कैसे कल रात हमारे कमरे में आ गया। या अल्लाह, बेगैरत को जरा से भी शर्म नहीं है? अगर उसे शर्म होती तो वो ऐसी हरकतें करता? सच कह रही हो नरगिस, बहुत ही झूठा, जिद्दी और बद नजर है। अहमद भाई आ गए, वो जरूर कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। वो तो अच्छा है कि अहमद भाई कलकत्ता से आ गए। अभी जब हम घर की तरफ आ रहे थे मेहमान खाने से, अरे जहाँ गुलफाम रह रहा है वहाँ हमने किसी औरत को देखा, वो हमें देख कर छिप गई, हम भी उसे छिप कर देखने लगे और वो भी हमें छिप कर देख रही थी। हम यकीन से तो नहीं कह सकते, अगर हमें शक है कि वो शाकरा भाभी है। अब सबके चेहरे से नकाब जल्द ही उठ जाएगा, कौन कौन इस साजिश में शामिल है बहुत जल्द पता चल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ नसीमा बाजी, अब सही कह रहे। शाकरा भाभी पर कभी एतवार मत करना, वो तुम्हारी और इस घर की दुश्मन है। मुझे शक है शाकरा भाभी भी गुलफाम के साथ मिली हुई है और इस खानदान को बदनाम करना चाहती है। अरे वो जिस खानदान को बदनाम करना चाहती है वो भी तो उसी खानदान की बहू है। जब खानदान की इज्जत ही नहीं रहेगी तो इनकी इज्जत कहाँ से बची रहेगी। आबिद भाई गुलफाम से बहुत खफा है, वो कह रहे थे चाहे जो भी हो जाए नरगिस मेरी बहन है, के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अरे वो तो उसी दिन उनको घर से बाहर निकाल देते, मगर अम्मी ने रोक लिया,
अम्मी ने उनको बहुत समझाया, कहा कि अहमद भाई का इंतजार कर। वैसे आबिद भाई सही इंसान है, वो तो शाकरा भाभी हैं जो उनको भड़काती रहती हैं, दूसरों के खिलाफ उनके कान भरती रहती हैं। अच्छा ये बताओ अहमद भाई ने और क्या कहा? अहमद भाई को पूरे वाक्य से आगाह किया है। अहमद भाई बहुत गुस्से में थे, वो तो उसी वक्त उसे घर से निकाल रहे थे, मगर अम्मी ने बताया कि उसने धमकी दी है कि नरगिस को पूरे शहर में बदनाम कर देगा। अहमद भाई ने उसके वालिद को नैनीताल से बुलवाया है और कहा है कि किसी को खबर ना। अहमद भाई जो भी फैसला लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन कसाई के हाथ लगेगी ही ना। अम्मी ने मिश्रा चाचा को बुलाकर सारी बातें बता दी, वो भी बहुत खफा थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी अम्मी ने मिश्रा चाचा को सारी बात बता दी। बोल रहे थे कि गांव से लठबंध बुलाकर उसकी हड्डियां तोड़वा दूंगा, आप कहे तो दरवाजे पे दो पहलवान बिठा दूं जो घर की हर वक्त निगरानी करेंगे और गुलफाम पे भी नजर रखेंगे, मगर अम्मी ने मना कर दिया। बड़ी अम्मी ने गलत किया, बिठा देती तो कम से कम गुलफाम की हिम्मत तो ना पड़ती रात में तुम्हारे कमरे में आने की। कह रहे थे कि अब की बार उसने ऐसी हरकत की तो उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ, उसे मार कर जंगल में फिकवा दूंगा और उसे चील कवे खाएंगे। मिश्रा चाचा सही कह रहे थे, उसके साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए, उसने ऐसी हरकत की है उसे तो चील कौए खाएं। गुलफाम तुम कहां थे, तुम्हें पता है कैसे छिपते छिपाते आए हम तुम्हारे पास? बहुत डर लग रहा है मैम साहब, अहमद भाई कलकत्ते से वापस आ गए हैं, उनकी खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही। जब समुद्र खामोश होता है ना तब एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और बेगम बादशाह अहमद भाई और आबिद साहब की खामोशी मुझे सोचने में मजबूर कर रही है मैम साहब। इसमें सोचना क्या है, उन्होंने कहा होगा कि बात को यहीं खत्म करो, क्योंकि अगर वो बात बढ़ाएंगे तो उनकी बड़ी बदनामी होगी और साथ में नरगिस की भी, इसीलिए वो खामोश हो गए। कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर भी क्या सकते हैं वो लोग, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते वो लोग, कुछ बुरा सलूक करेंगे ना तो उनकी खुद की बदनामी होगी, क्या कर सकते, पुलिस में कंप्लेन कर नहीं सकते, किसी रिश्तेदार पड़ोसी से वो कुछ कह नहीं सकते।